हो गया। आज हम लोग का लास्ट है क्लास इस स्टोरी का, काठमांडू का। काठमांडू का राइटर कौन है? विक्रम सेठ है। कुछ वर्ड कर लेते हैं पहले। प्रोपेल बाय एंथ्यूसिज्म, प्रोपेल बाय एंथ्यूसिज्म। प्रोपेल का अर्थ होता है प्रेरित। क्या होता है? प्रेरित होना, प्रेरित होना। क्या होता है प्रोपेल मीन्स? तो उत्साह से प्रेरित हो जाना। उत्साह से प्रेरित होना मतलब कोई चीज देखने में अच्छा लग रहा है और हम खुद अपने आप में अच्छा लग रहा है और उसके ओर हम बढ़ गए। उत्साह से प्रेरित हो जाना, प्रोपेल बाय एंथुसिएज्म। बोलो, उत्साह से प्रेरित होना। प्रोपेल मीन्स प्रेरित होना होता है, ठीक ना? प्रोपेल, प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड स्पेलिंग होगा, बीटू रूप होगा, डबल एल ई डी हो जाएगा, ठीक ना? प्रोपेल्ड, प्रोपेल्ड। पर से फ्रेज है ये, ठीक ना? स्वयं द्वारा, जिसको माई सेल्फ भी कह सकते हैं, माई सेल्फ, हाँ, खुद। एक्स हाउस, थकना। एक्स हाउस, एक्स हाउस, थकना। ये वर्ड पहले भी मिला है पिछले स्टोरी में, एक्स हाउस्टेड, थका हुआ। एक्स हाउस, थकना। होम सिक, होम सिक होता है घर की याद वाला बीमारी, होम सिकनिंग होता है, ठीक ना? होम सिक से आता है होम सिकनिंग। जैसे क्या हुआ, होम का बीमारी हो जाना, सिक मन बीमार, ऐसा ऐसे कि सिक मन क्या होता है? होम मन घर, घर का बीमार क्या होता है? मतलब कि जैसे कि हम कहीं चले गए और वहां हमको बोल रहा है रुकने के लिए, कुटुंब के घर या कहीं भी अपना रिलेटिव के यहाँ चले गए और हमको बोला रुक जाइए 2 दिन, हमको दिमाग में घर ही घर घूमते रहेगा। मैंने या तो जैसे कह सकते हैं कि कैसे कहूं, होम सिकनिंग वही हुआ कि मतलब कहीं उसको मन नहीं लगता, कहीं भी जाएगा तो उसको दिमाग में घूमते रहेगा ना, हम नहीं रहेंगे यहाँ, घर जाएंगे, होम सिक। दिल्ली उल्ली कमाने भी बहुत आदमी जाता है, वो बाहर नहीं टिक पाता है क्योंकि उसको होम सिक होता है और होम सिकनिंग सताने लगता है, बार बार घर लौट के चला आएगा। होम सिक समझ में आया? होम सिक, सिक मतलब बीमारी, घर का बीमारी यानी कि। नेपाल एयरलाइंस ऑफिस, एयरलाइन ऑफिस क्या होता है? एरोप्लेन का ऑफिस जो होता है ना, तो बस नेपाल में है वो, नेपाल एयरलाइंस ऑफिस। एक ऑफिस है, उसका एक वर्ड आया स्टोरी में, द स्क्वायर, चौराहे। स्क्वायर देखिए डबल यूज हुआ होगा, एक चौखट के लिए भी यूज होता है, ठीक ना? स्क्वायर का प्रयोग, ये वर्ग जैसा है इसलिए कहता है स्क्वायर। हाँ, और रास्ता ऐसे ऐसे करके गया है ये रोड, इसको भी हम कहेंगे स्क्वायर, चौराहा, रास्ता। ये चौराहा रास्ता कहलाता है, जिसका चार राह मिले उसको बोलते हैं चौराहा, चार राहों का समाहार बोलते हैं, उसी को स्क्वायर बोल रहे हैं। वर्ड याद हो गया? द क्वील्स ऑफ अ पोर्सुपाइन, पोर्सुपाइन एक चूहा जैसा जीव है, चूहा जैसा, ठीक ना? लेकिन उसका बाल जो रहता है पूरा काटा काटा जैसा रहता है, इस तरह मोटा मोटा काटा रहता है पूरे बाल पर, ये मैं दिखाऊंगा स्टोरी में, ठीक ना? द क्वील्स ऑफ अ पोर्सुपाइन, पोर्सुपाइन का काटा, पोर्सुपाइन का काटा, पोर्सुपाइन का काटा ऐसे रहता है, पूरा बड़ा 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 काटा रहता है उसको, ठीक ना? पोर्सुपाइन का काटा, ये दिखाऊंगा वीडियो में स्टोरी पढ़ाते समय। मेडिटेटिवली, मेडिटेटिवली, मेडिटेशन मीन्स, मेडिटेशन मीन्स ध्यान करना होता है ना, मेडिटेशन ना होता है, मेडिटेशन मीन्स क्या होता है? ध्यान करना होता है ना। मेडिटेटिवली मीन्स ध्यान पूर्वक, सोच कर, थॉटफुल्ली ना, उसको क्या कहते हैं? थॉटफुली, थॉट मतलब विचार, थॉट का मीनिंग क्या होता है? विचार, ना, सोच समझ कर, विचार करके, उसी को बोलते हैं मेडिटेटिवली, मेडिटेटिवली, थॉटफुली, विचार कर, सोच कर, समझ में आया? हर एक चीज रटना नहीं चाहिए, उसको जोड़िए। मेडिटेशन मतलब ध्यान, खूब सुने होंगे मेडिटेशन, तो ध्यान क्या है? एक चिंतन है, एक सोच है ना, तो मेडिटेटिवली सोच कर। ऑकेजनली, कभी कभार, कहते कभी कभार मैं जाता हूं कहां, तो कहीं घूमने, बोले नया पार्क बना है रे,
वहां कभी गया है घूमने? तो बोलेगा नहीं, वैसे कभी कभार चले जाते हैं, साल में एक दिन दो दिन चले जाते हैं। उसी को कहते हैं ओकेजनली, टाइम टू टाइम, बात बुझे, टाइम टू टाइम। उसी को कहते हैं सम टाइम्स, कभी कभार, सम टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं सर। ओकेजन में ऐसे क्या होता है, ओकेजन का खाली मीनिंग क्या होता है? डबल सी ए डबल एस आई ओ एन, ओकेजन मींस पर्व त्यौहार ना होता है, होता है हाँ, ओके हाँ। और फेस्टिवल होता है ना, तो पर्व फेस्टिवल रोज होता है, नहीं सर। तो उसी से आ गया ओकेजनली, जैसे पर्व त्यौहार के रूप में कुछ काम करते हैं हम लोग, उसी तरह ओकेजनली हुआ ने कभी कभार, समझ में आया ओकेजन? ओकेजनली मीन्स कभी कभार। क्यूरियसली ऑफेंडेड, विचित्र लापरवाह ढंग से, क्यूरियस में ऐसे जिज्ञासा होता है, क्यूरियस का मीनिंग क्या होता है? जिज्ञासा। लेकिन यहाँ क्यूरियसली ऑफेंडेड का अर्थ होगा विचित्र लापरवाह ढंग से, क्या होगा? इस स्टोरी में ये मीनिंग आएगा, कोई दिक्कत? वेयर्स, डब्ल्यू ए आर एस, वेयर्स समान, वेयर्स समान, एंटरप्राइज उद्यम, धंधा, एंटरप्राइज उद्यम, धंधा, इंसिडेंटल संजोग से, इंसिडेंशल, इंसिडेंटल, इंसिडेंटल संयोग, टियर अवे अलग करना, वियोग हो जाना, एक जगह हट जाना, उसको बोलते हैं टियर अवे। फिर जाइए, टियर अवे अलग होना, टियर अवे मीन्स हाँ, यहाँ डॉट डॉट होता है, बीच में कुछ भी घुस जाएगा वर्ड, ठीक ना। द रीड ने, ये बांसुरी है, रीड ने क्या है? बांसुरी है, बांसुरी का टाइप ये सब है, बहुत टाइप का बांसुरी लेकर के बेच रहा था एक सेलर। द रीड ने, द रीड ने, द रिकॉर्डर, ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, बजाने वाला, ये क्या है? वाद्य यंत्र। हाँ, रीड ने रिकॉर्डर, द जापानीज साकुहाची, ये भी बांसुरी है, सबको स्टोरी जब पढ़ाऊंगा तो वीडियो सबका फोटो दिखाऊंगा ले लेके। द जापानीज साकुहाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, हिंदुस्तान के शास्त्रीय संगीत का डीप बांसुरी, डीप बांसुरी में गहरा बांसुरी, बांसुरी है ये भी, हिंदुस्तान का जो बांसुरी सब ना होता है बजाने वाला, तो उसी को क्लासिकल म्यूजिक का स्पेशल एक बांसुरी होता है बना हुआ, उसको बोलेंगे डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं शास्त्रीय संगीत को, क्या बोलते हैं? शास्त्रीय संगीत। हिंदी जाने या इंग्लिश जाने को विशेष अंतर पढ़ने वाला है नहीं, कौन यहाँ शास्त्रीय संगीत आप रोज यूज करते हैं बट तो क्लासिकल म्यूजिक समझ लिए, क्लासिकल म्यूजिक एक म्यूजिक का एक स्टैंडर्ड लेवल हुआ, कोई दिक्कत? द डीप बांसुरी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक वाला एक डीप बांसुरी, कहाँ का? हिंदुस्तान का। हाँ, थोड़ा लो साउंड से तुम निकालो। द क्लियर एंड ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का एक बांसुरी, और उसका क्या होता है? क्लियर और ब्रीदी होता है, मतलब पूरा साफ आवाज आता है, लेकिन वो सांसमय होता है, सांस भी लेना पड़ता है, ठीक ना, बजाते समय जैसे ना था लंबा सांस लो, वृद्धि उसको बोले, क्या बोले? लंबा लंबा सांस उसमें देना पड़ता होगा, है? हाँ, तो इसको कहते हैं द क्लियर एंड ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका जान ही रहे, दक्षिणी अमेरिका ना, अमेरिका का दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ, साउथ अमेरिका में ये फ्लूट जो है, उस फ्लूट की बात कर रहा है, क्लियर एंड ब्रीदी फ्लूट, मतलब पूरा आवाज भी साफ होता है और पूरा सांस ले लेके उसको बजाना पड़ता है, दिखाऊंगा। द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स, फ्लूट किसको कहते हैं? उच्च तारत्व वाला, उच्च तारत्व वाला चीन का फ्लूट
ना, चार तारा तो कुछ नहीं, साउंड समझिए अभी आप फिजिक्स में तारा तो वर्ड पढ़े होंगे ठीक ना। द हाई पिच उच्च तारत्व वाला, हाई वाइब्रेशन वाला चीन का फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी, फ्लूट मींस FLUI TE फ्लूट, फ्लूट कहते हैं बांसुरी के, FLUI TE फ्लूट, फ्लूट मींस बांसुरी, FLUTE फ्लूट, आई नहीं होता बोला गया। आगे बढ़े, कंपास, यहाँ कैंपस एक होता है ना कैंपस, सीमा और दायरा नहीं होता है, सीमा इसका कैंपस कितना बड़ा है, यहाँ कंपास का मीनिंग वही कैंपस से लिया है ठीक ना, सीमा दायरा। हाँ कंपास मीन्स कोई दिक्कत नहीं सर। इट वेव्स, इट वीप्स, यह बुनती है, इट्स ऑन ओकेजंस, ओकेजंस एसोसिएशन, सॉरी एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब होता है कि छेदों का समूह ये ठीक ना, ऐसे करके बहुत सारा छेद रहता है ना बांसुरी पर। और वीप्स मीन्स बुनना, यह बुनती है अपना संपर्क क्षेत्र पर, क्या बुनती है ऐसे ऐसे हाथ बजाते हैं ना, ऐसे 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 इसी को कहते हैं, थोड़ा सा मीनिंग अजीब तरह का है, वो जब वाक में जाएंगे तब क्लियर हो जाएगा ना। इट वीप्स या बुनती है, इट्स ऑन एसोसिएशंस, अपने संपर्क क्षेत्रों पर, छेदों पर बुनती है, क्या बुनती है, जाल जैसा बुन देते, जैसे बज रहा, देखिए मेरा अंगुली दिख रहा है कैसा दिख रहा है, तना बना जाल जैसा ना लग रहा है, इसी को कहता है वीप्स, ये बुनती है जाल जैसा बुनती है। इट्स आवन एसोसिएशंस, अपने ही खास भीड़ों में, यानी कुछ छेद वाले भीड़ों में, एसोसिएशन मींस क्या था, ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, यहाँ संगठन क्या होगा, वो जो बांसुरी में छेद रहता है उसको कह रहा है, बहुत सारा छेद है तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, हर एक छेद के पास हाथ जाते रहता है, ताना बाना जाल बुन देता है। इट वीप्स, इट्स आवन एसोसिएशंस, इट्स आवन होल्स रहता है और बढ़िया था, अपने छेदों के पास जाल बुनने लगता है, फिंगरिंग जब करता है, इसको इंग्लिश में फिंगरिंग करना कहते हैं ठीक ना, स्टोरी में मिलेगा फिंगरिंग वर्ड भी। कॉमनलिटी, कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, ऑल मैनकाइंड संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति का सर्वसाधारण रूप, कॉमन मान साधारण ना होता है, कॉमनलिटी साधारण रूप किसका, ऑफ ऑल मैनकाइंड संपूर्ण मानवता का साधारण रूप, संपूर्ण मानवता का, कोई दिक्कत फ्रेजेस मना सूर, यहाँ जो स्टोरी में यूज हुआ है PHRASES फ्रेजेस, फ्रेज का अर्थ सूर, आवाज का सूर नहीं होता है, उसके लिए यूज हुआ है फ्रेजेज, सूर, फ्रेजेज मीन्स, हाँ सेंटेंसेस मीन्स भाव, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस है, यानी कि सूर और भाव, भाव मीन्स मीनिंग, भाव ने कहता है इसका भाव बहुत अच्छा लगता है, अर्थ समझने में अच्छा लगता है। फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस, सूर एवं भाव, आवाज का करा है, जब बजाता है तो इसका सूर और भाव बहुत अच्छा लगता है, यानी कि सुनने में सूर सुनने में लगेगा साउंड, और भाव व मीनिंग सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सूर और भाव, यहाँ स्पेशल ये यूज हुआ है, कहीं अलग जगह इसका यूज ये नहीं करना है, फ्रेजेज मना सूर या सेंटेंसेस मना भाव ठीक ना, इस स्पेशल इस स्टोरी में यूज है फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, सूर एवं भाव, मोटिव फोर्स, प्रेरक बल, प्रेरक बल, मोटिव फोर्स, फेमिलियर फ्रेजेस, परिचित सूर, फेमिलियर मतलब परिचित होता है ना, फेमिलियर फ्रेजेस, परिचित सूर, हाँ इन्वेस्टेम, इन्वेस्टेड, इन्वेस्ट मतलब नहीं होता है व्यय करना, इन्वेस्ट इन्वेस्ट टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ मैं, मतलब समय नहीं बर्बाद कर सकता हूँ, वो टाइम इन्वेस्ट क्या था वहां उसके विषय में है, स्टोरी में जब जाएंगे तो पता चलेगा, इन्वेस्टेड टाइम इन्वेस्ट क्या, वहां टाइम लिखा हुआ नहीं है एक्चुअल में ठीक ना, तो इन्वेस्ट क्या क्या है, समय, समय देना, इन्वेस्ट में यहाँ क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट में समय देना। सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व, सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस महत्व, सिग्निफिकेंस महत्व, महत्व। फिर इसको बांसुरी से आपको देखिए, द रीड ने, ये बांसुरी है, द रिकॉर्डर, ये भी एक बांसुरी है, द रिकॉर्डर ये भी क्या है, बासुरी है। एक बांसुरी है, कोई दिक्कत समझ रहे हैं ना,
द रिकॉर्डर द रिकॉर्डर द जापानीज साकुहाची 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 ये क्या है जापानीज साकुहाची बांसुरी है द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक मतलब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक गहरा बांसुरी बांसुरी का टाइप है डीप बांसुरी क्या है मोटा है गहरा गहरा छेद होगा या जो भी हो बांसुरी दिखाऊंगा जब वीडियो में द क्लियर एंड द ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका क्लियर मतलब साफ सुथरा आवाज निकलता का ब्रीदी में सांस लंबा लेना पड़ता होगा उस बांसुरी को बजाने के लिए इसलिए कहता है क्लियर एंड ब्रीदी फ्लूट ऑफ साउथ अमेरिका और वो बांसुरी कहाँ है साउथ उसका भी इसे बेच रहा था वो ये सब ले लेके बेच रहा था बांसुरी सेलर ये फ्लूट सेलर जो था ना तो फ्लूट में इतना प्रकार का फ्लूट उलाया था कोई दिक्कत द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स ये भी बहुत वाइब्रेशन उत्पन्न करता था हाई पिच का था चाइनीज फ्लूट ये भी वो बेच रहा था फ्लूट सेलर समझ में आया क्योंकि वो काठमांडू का वर्णन न कर रहा है काठमांडू क्या है तो वहां देखा एक बांसुरी बला कितना प्रकार का बांसुरी बेच रहा था तो सब बांसुरी कभी वो ये बांसुरी बजाता था कभी ये बजाता था इसको सुनने में अच्छा लगने लगा तो ये विक्रम सेठ को हटने का मन नहीं कर रहा था इसलिए इसके विषय में बता दिया वहां का कल्चर दिखाया कितना टाइप का वो बांसुरी बेच रहा था ना द हैप्पीड चाइनीज फ्लूट्स कंपास में ना वहां दायरा है सीमा है कंपास मीन्स हर एक कंपास का इति बांसुरी का कहता है अपना अपनी सीमा था इट वीप्स मैंने यह बुनता है इट्स ऑन ओकेजंस अपने संपर्क क्षेत्र पर ताना बाना का जाल बुनता है जब बजाने लगता है ऐसे ऐसे अंगूर पूरा होने लगता है ठीक ना इसके बाद ताना बाना जाल बुनना ना हो गया समझ में आया कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड सभी मानवता का सर्वसाधारण रूप फ्रेजेस एंड द सेंटेंसेस सूर एवं भाव फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस सूर एवं भाव मोटिव फोर्स प्रेरक बल फेमिलियर फ्रेजेस परिचित सूर इन्वेस्टेड टाइम समय देना सिग्निफिकेंस महत्व तो ये वर्ड जो है एकदम रट लेना है उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो पढ़ाऊंगा डबल वीडियो इसका भाई एक टू स्पेशल में इसका वीडियो इसलिए बना दिया वर्ड का ताकि आपको वर्ड याद करने में परेशानी ना हो तो एक क्लास स्पेशल इसको मैं बताया इस वर्ड को रट लेना है पूरा ठीक ना उसके बाद काठमांडू का सेकेंड पार्ट मैं अब कर दूंगा तैयार ठीक है।